हाय फ्रेंड्स, आई एम वंदना मुखर्जी। वेलकम टू वंदनास किचन। आज हम बनाएंगे चना मटर की घुगनी। ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये रेसिपी बच्चे बड़ों सबकी पसंद है। चना मटर की घुगनी रोटी, चपाती, पूरी, चावल इसके साथ ले सकते हैं, डिनर में ले सकते हैं, लंच में ले सकते हैं। तो चलिए चना मटर घुगनी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। सबसे पहले 100 ग्राम मटर, 100 ग्राम चना हम लेकर 4-5 घंटा इसको भिगो के रखा। फिर बाद में कुकर में 2 ग्लास पानी डाल के 1 पिंच बेकिंग सोडा डाल के 3 सीटी लगाया। 3 सीटी के बाद ये मटर चना छान ली है, स्टू को अलग कर दिया है। ये स्टू ये चना घुगनी बनाने के टाइम हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्वाद होता है और प्रोटीन विटामिन जो रहते हैं ये फेंकने से चला जाता है। तो ये बनाने के लिए स्टू बहुत ज़रूरी है। आलू, एक आलू लेकर इसको लंबा लंबा काट के बॉईल करके रखे हैं। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार, धनिया ये गार्निशिंग के लिए, लहसुन एक बड़ा चम्मच इसको दरदरा पेस्ट ली है, प्याज 2 बड़ा साइज प्याज लेकर इसको लंबा लंबा काटे हैं, अदरक एक बड़ा चम्मच की पेस्ट ये भी दरदरा है, और टमाटो एक टमाटर उसको पेस्ट करके रखे हैं, गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच ली है। यहाँ पर 2 तेज़पत्ता रखे हैं, रेड मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच ली है, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, 2 ग्रीन चिलीस इसको बीच में काट के रखे हैं। और ये बनाने के लिए हम कुकिंग ऑयल सरसों की तेल यूज़ करते हैं। तो चलिए चना मटर की घुगनी बनाएंगे। सबसे पहले गैस ऑन करते हैं और एक कढ़ाई भी ले लिया। तेल डालते हैं, पांच चम्मच तेल हम डाल दिए हैं। चम्मच तो छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा साइज नहीं है। आप बड़ा साइज यूज़ करेंगे तो 4 चम्मच डालिए, हम छोटा चम्मच लिए तो 5 चम्मच डाल दिए। तेल गर्म हो गया, तेज़पत्ता डाल देते हैं, साथ के साथ हम प्याज भी डाल देते हैं। और प्याज को हम हल्का सा ब्राउन बनाएंगे। प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया, लहसुन की पेस्ट डाल देते हैं, या अदरक की पेस्ट है ये भी डाल देते हैं। फिर प्याज के साथ अदरक, लहसुन और अदरक एक साथ भूनेंगे। लहसुन, प्याज और अदरक एक साथ भून लिए हैं, फिर ये जो रखे हैं पाउडर मसाला ये डाल देते हैं। फिर इसको एक साथ और अच्छा से भून लेंगे। इसके बाद टमाटर जो पेस्ट रखे हैं ये डाल देते हैं। फिर इसको टमाटर की इसको अच्छा से हम भून लेंगे, इसको जो कच्चा स्वाद है वो निकल जाते हैं। टमाटर पेस्ट भून लिए हैं,
ये मसाला भी रेडी हो गया। इसके बाद हम मटर जो चना रखे हैं वो डाल देते हैं। आलू जो रखा था बॉईल करके आलू डाल दिए हैं। इसके बाद नमक स्वाद अनुसार, फिर हम एक साथ इसको अच्छा से एक बार मिक्स कर देते हैं। ये एक साथ हम मटर चना आलू सब भून लिए। देखिए अभी भी कलर देखिए सुंदर आया है। फिर स्टू है, स्टू डाल देते हैं। आपको ग्रेवी मोटा लगे, मोटा चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, और ऐसे गाढ़ा चाहे तो ऐसे ही ठीक है, जो बचा है वो स्टू में काम देंगे। स्टू डालने के बाद हम इसको कवर कर देते हैं। 3 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे, कवर हटा देते हैं 3 मिनट के बाद। फिर ऊपर से हम गरम मसाला पाउडर यूज़ करते हैं। देखिए ये रेडी हो गया, और हम एक प्लेट में सर्व कर देते हैं। चना मटर की घुगनी रेडी हो गया। लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें।